कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता का कारण है प्रोटॉन त्यागने के बाद बने हुए कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करना। हम जानते हैं कि जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों को जल में विलेय करते हैं तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रोटॉन निकलता है वो जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। अब यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आयन है जिसकी संरचना आप देख सकते हैं, यहाँ पर R, C और एक ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा जुड़ा होता है जबकि एक ऑक्सीजन एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है और जिस पर ऋणावेश होता है। तो यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो द्विबंध है और द्विबंध के जो पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं वो दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच रोटेट होते रहते हैं। यहाँ पर जब द्विबंध से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच लेता है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर तब जो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश होता है वह अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन बंध को दे देता है। और इस तरह से हम देखें कि जो ऋण आवेश है या जो इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं वो दोनों ऑक्सीजन के बीच रोटेट करते रहते हैं और इस तरह से ये दो समान अनुनादी संरचनाएं बन जाती हैं और ये काफ़ी स्थायी होती हैं और यही कारण है कि कार्बोक्सिलेट आयन स्थायी होते हैं और इसीलिए ये बड़ी आसानी से प्रोटॉन त्याग देते हैं जिसकी वजह से कार्बोक्सिलिक अम्ल काफ़ी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अब हम देखें कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के अम्ल हैं उनकी अम्लता हम के ए वैल्यू के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। के ए वैल्यू जिसे हम कहते हैं अम्ल वियोजन स्थिरांक, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल को जल में विलेय करते हैं तो ये बनाता है कार्बोक्सिलेट आयन तथा हाइड्रोनियम आयन। यदि हम इस रिएक्शन का इक्विवेलेंट कांस्टेंट ज्ञात करें तो यहाँ पर के इक्विवेलेंट ये इज इक्वल टू हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इनटू कार्बोक्सिलेट आयन का कंसंट्रेशन बाय यहाँ पर हो जाएगा वाटर का कंसंट्रेशन तथा इनटू हो जाएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लों का कंसंट्रेशन। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो जल है उसकी कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है इसलिए हम इसे कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा के इक्विवेलेंट H2O इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इनटू कार्बोक्सिलेट आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्लों का कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो के इक्विवेलेंट H2O है इसे हम के ए के द्वारा भी दर्शाते हैं और जिसे हम कहते हैं अम्ल डिसोसिएशन अम्ल वियोजन स्थिरांक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो के ए की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोनियम आयन के या हम कह सकते हैं H प्लस आयनों के। तो जैसे जैसे H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ेगी के ए की वैल्यू बढ़ेगी और हम जानते हैं कि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी उसके जो अम्लीय प्रबलता है उसमें वृद्धि होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि के ए की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे अम्ल की अम्लता में वृद्धि होगी। लेकिन कभी कभी यहाँ पर हम देखें कि के ए वैल्यू ना देकर अम्लों के लिए पी के ए वैल्यू का उपयोग किया जाता है और हम जानते हैं कि जो पी के ए होता है वो बराबर होता है माइनस लॉग के ए के, यानी कि जो पी के ए वैल्यू होती है वो के ए वैल्यू के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे के ए की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे पी के ए की वैल्यू कम होगी और जब पी के ए की वैल्यू जितनी कम होगी अम्ल उतना ज़्यादा प्रबल होगा। तो यहाँ पर हम देखें कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के अम्ल हैं उन्हें हम पी के ए वैल्यू के आधार पर अधिकतम प्रबल या दुर्बलतम अम्ल के वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं उनके लिए देखा गया है कि पी के ए वैल्यू हमेशा एक से कम आती है जबकि जो मध्यम प्रबल अम्ली होते हैं उनके लिए पी के ए वैल्यू एक से पाँच के बीच होती है जबकि जो दुर्बल अम्लीय होते हैं उनके लिए पी के ए की वैल्यू पाँच से लेकर पंद्रह तक होती है जबकि बहुत ही ज़्यादा जो दुर्बल प्रकृति के अम्ल होते हैं दुर्बलतम अम्ल होते हैं उनके लिए पी के ए की वैल्यू पंद्रह से ऊपर होती है।
तो यहाँ पर अब हम एथेनॉल या फिनॉल या फिर हम कहें कि यहाँ पर हम अल्कोहल फिनॉल और कार्बोक्सिलिक अम्लों की यदि हम पीकेए वैल्यू की तुलना करें तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि कौन ज़्यादा प्रबल अम्लीय होता है। तो यहाँ पर हम बता दें कि जो अल्कोहल होते हैं उनके लिए पीकेए वैल्यू का मान लगभग 16 यानी कि 16 होता है, जो दर्शाता है कि ये काफ़ी दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। दूसरी ओर यदि हम फिनॉल को लें तो फिनॉल के पीकेए वैल्यू लगभग 10 तक होती है, जो दर्शाती है कि ये अल्कोहल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होते हैं। दूसरी ओर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनकी पीकेए वैल्यू ये 1 से लेकर 5 के मध्य होती है, जो दर्शाती है, जो प्रायोगिक रूप से भी दर्शाती है कि ये अल्कोहल तथा फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। वैसे भी हम कहें कि जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अम्लीय कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होते हैं। दूसरी ओर यदि हम इनकी तुलना खनिज अम्लों से करें, मान लीजिए हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीकेए वैल्यू होती है वो होती है -7, जो ये दर्शाती है कि ये कार्बनिक अम्लों की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा प्रबल अम्लीय होते हैं। तो इस तरह से हम पीकेए वैल्यू के आधार पर भिन्न भिन्न कंपाउंड्स की अम्लीयता की तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं वो अल्कोहल तथा फिनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय होते हैं। अब आइए जानते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। सबसे पहले हम लेते हैं अल्कोहल। देखिए जो भी अम्ल है उसकी अम्लीयता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी से प्रोटॉन त्यागता है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन त्यागने के बाद जो उसका संयुग्मी क्षार बनता है, जो ऋणायन बनता है, वो कितना ज़्यादा स्थायी है, कितना ज़्यादा स्टेबल है। जो संयुग्मी क्षार जितना ज़्यादा स्टेबल होगा अम्ल उतना ज़्यादा प्रबल होगा। यदि हम अल्कोहल की बात करें तो हम जानते हैं कि जब अल्कोहल से एक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर अल्कोक्साइड आयन बनेगा। अल्कोक्साइड आयन यानी कि RO और ऑक्सीजन पे होगा नेगेटिव चार्ज। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि जो इससे जुड़ा हुआ एल्किल समूह है वो प्लस आई इफेक्ट दर्शाता है, यानी कि वो R यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़े को ऑक्सीजन के ऊपर की तरफ यहाँ पर धकेल देगा, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा। और जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा तो वो निकलने वाले प्रोटॉन को जाने नहीं देगा बल्कि उसे वापस अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा, यानी कि यहाँ पर जो अल्कोक्साइड आयन बन रहा है वो उतना ज़्यादा स्थायी नहीं होगा। दूसरी ओर यदि हम फिनॉल की बात करें तो हम जानते हैं कि फिनॉल जिसमें कि बेंजीन रिंग में एक ओ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है, जब इसमें से एक प्रोटॉन बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर बनता है फिनॉक्साइड आयन, जिस पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग होती है वो प्लस आई इफेक्ट दर्शाती है, यानी कि ये जो ऑक्सीजन है उससे उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है उसको अंदर रिंग की तरफ खींचती है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से यह प्रोटॉन को बाहर निकलने दे देता है। इसी कारण है कि ये अल्कोहल की तुलना में फिनॉल हैं वो अधिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर यह है कि जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जोड़ा है जब रिंग की तरफ आता है तो यहाँ पर चूंकि हाइड्रोक्सिल समूह आर्थो और पैरा निर्देशी समूह होते हैं और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वह रिंग में कार्बन के आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन वाले कार्बन पर बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ये जो कार्बन होता है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है और ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। दूसरी ओर यदि हम देखें कार्बोक्सिलेट आयन, तो कार्बोक्सिलेट आयन की जो संरचना होती है जो कि दो समान अनुनादी संरचनाएं का होती हैं जिसमें, और इसे हम एक संकर संरचना के द्वारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं
वो दोनों ऑक्सीजन के बीच रोटेट होते हैं, यानी कि दोनों ऑक्सीजन हम जानते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और इसीलिए ये कार्बन की तुलना में ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं, संभाल सकते हैं, और इसीलिए ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है कार्बोक्सिलेट आयन की वो ज़्यादा स्थायी होती है और ये स्थायित्व होने की वजह से ये ज़्यादा आसानी से हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निष्कासित कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो भी अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन उनकी अम्लीय प्रवृत्ति या अम्लीय प्रबलता फिनोलों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि रेजोनेंस तो फिनोल में भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं वो कार्बन पर शिफ्ट होते हैं जो कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयनों में इलेक्ट्रॉन जोड़े ऑक्सीजन पर ही शिफ्ट होते हैं और इसकी वजह से ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा मजबूती से बांध कर रख सकता है और इसीलिए ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जो अनुनादी संरचना है, वो ज़्यादा स्थायी होती है और यही वजह है कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो अल्कोहल और फिनोल की तुलना में ज़्यादा अम्लीय होते हैं। ये आसानी से प्रोटॉन त्याग कर कार्बोक्सिलेट आयन बनाकर स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। आइए अब हम भिन्न भिन्न कार्बोक्सिलिक अम्लों की आपस में अम्लीय प्रबलता की तुलना करते हैं। ये देखा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो प्रतिस्थापी होते हैं उनकी उपस्थिति भी कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रबलता को घटाती या बढ़ाती है, यानी कि इनकी अम्लीय प्रबलता को प्रभावित करती है। ये देखा गया है कि यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों में यहाँ पर जो कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन हैं उनको यदि भिन्न भिन्न समूहों के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इनकी अम्लीय प्रबलता प्रभावित होती है। यदि यहाँ पर कार्बन से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हों तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता या अम्लीय प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे, जिससे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी वजह से अब ये जो होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच के इलेक्ट्रॉन जोड़ों को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन बड़ी आसानी से हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निष्कासित कर पाएगा। दूसरी ओर यदि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीविंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन मुक्त करने वाले समूह यदि उपस्थित हों तो ऐसी स्थिति में ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में आसानी से निष्कासित नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता कम हो जाएगी। यदि हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की प्रबलता यदि इनकी सक्रियता का क्रम देखें तो हम पाते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय समूह जो होता है वो होता है CF3 समूह, इसके बाद उससे कम सक्रिय समूह होता है नाइट्रो समूह यानी कि NO2, उससे कम सक्रिय समूह होता है साइनो समूह यानी कि CN और उसके बाद सक्रियता के क्रम में आते हैं हैलोजन, और हैलोजन में भी हम जानते हैं कि यदि हम देखें तो सबसे ज़्यादा सक्रिय समूह होगा पहले फ्लोरीन होगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन, और उससे भी कम जो समूह होंगे वो फिनॉल यानी कि जो बेंजीन रिंग होगी उसका क्रम आता है। तो यदि ये भिन्न भिन्न समूह कार्बोक्सिलिक अम्लों में प्रतिस्थापी के रूप में उपस्थित हों तो निश्चित रूप से ये उसकी अम्लीय प्रबलता को प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है CF3COOH, दूसरा है CH2NO2COOH, तीसरा हमने लिया है HCOOH यानी कि फॉर्मिक एसिड, और चौथा हमारे पास समूह है यहाँ पर CH3COOH यानी कि एथेनोइक एसिड। यदि हमें इनकी चारों की अम्लीय प्रबलता की तुलना करें और इन्हें अम्लीय प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करें तो हम पाएंगे कि सबसे पहले हमें उन कार्बोक्सिलिक अम्ल को चुनना होगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, और यहाँ पर हम देखें कि दो समूह हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक में है सी एफ
H3E समूह और दूसरा है NO2 समूह। और यदि हम इनकी प्रबलता की तुलना करें तो हम जानते हैं कि CF3 समूह ज़्यादा प्रबल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा वो होगा CF3COOH, और उसके बाद जो प्रबलता का क्रम में उसके नीचे आएगा वो होगा CH2NO2COOH। अब इसके बाद हमारे पास है फार्मिक एसिड HCOH, जिसमें किसी भी प्रकार का ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो उसके बाद प्रबलता के क्रम में आएगा फॉर्मिक एसिड, और उसके सबसे कम जो प्रबल होगा वो होगा एसिटिक एसिड, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एसिटिक एसिड है या एथेनोइक अम्ल है उसमें कार्बन से एक मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीविंग ग्रुप है, और यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ा देगा और इसकी वजह से जो एथेनोइक एसिड है उसकी अम्लीयता कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रतिस्थापी की उपस्थिति के आधार पर हम विड्रॉइंग ग्रुप हैं या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीविंग ग्रुप हैं, इसके आधार पर हम विभिन्न प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता की तुलना कर सकते हैं। इसी तरह से यदि हम उदाहरण लेते हैं कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है बेंजोइक एसिड C6H5COOH, इसके अलावा हमने यहाँ पर लिया है 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड, जहाँ पर कि जो COOH समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है बेंजीन रिंग में, उसके पैरा पोजीशन पर नाइट्रो समूह उपस्थित है। और तीसरा हमने यहाँ पर लिया है 4-मेथॉक्सीबेंजोइक एसिड, जहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह के विरुद्ध जो पैरा पोजीशन है, 4 पोजीशन है, वहाँ पर एक मेथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है। यदि हम इनकी अम्लीयता की तुलना करें तो हम देख रहे हैं कि जो बेंजोइक एसिड में इसमें कोई भी रिंग में प्रतिस्थापी उपस्थित नहीं है। दूसरी ओर जो यहाँ पर 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, इसमें एक नाइट्रो समूह है, और नाइट्रो समूह एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला समूह है। इसका मतलब है कि यह कार्बोक्सिलिक एसिड के जो ऑक्सीजन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, और इस तरह से यह अम्लीयता में वृद्धि करेगा। दूसरी ओर हम देखें कि यहाँ पर जो 4-मेथॉक्सीबेंजोइक एसिड है, उसमें जो मेथॉक्सी समूह है वह इलेक्ट्रॉन रिलीविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ऑक्सीजन की तरफ बढ़ाएंगे, जिससे हाइड्रोजन का प्रोटॉन के रूप में निष्कासन कठिन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि इन तीनों की तुलना हम करें तो हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड, उससे कम अम्लीय होगा बेंजोइक एसिड, और सबसे कम अम्लीय होगा जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिलीविंग ग्रुप उपस्थित है, यानी कि 4-मेथॉक्सीबेंजोइक एसिड। और प्रायोगिक तौर पर भी यहाँ पर यदि हम इनकी pKa वैल्यू को देखें तो यहाँ पर जो 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड है उसकी pKa वैल्यू होती है 3.41, जबकि बेंजोइक एसिड की pKa वैल्यू होती है 4.19, तथा जो 4-मेथॉक्सीबेंजोइक एसिड है उसकी pKa वैल्यू होती है 4.46, जो यह दर्शाता है कि यह सबसे कम अम्लीय होगा। यहाँ तो हमने देखा कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रबलता की तुलना। यदि हम किसी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता की तुलना करें, जैसे कि यहाँ पर हम देखें, हमने लिया है फॉर्मिक एसिड HCOOH, दूसरा हमने लिया है यहाँ पर एथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH, और तीसरा हमने यहाँ पर लिया है बेंजोइक एसिड। यदि हम इनकी तुलना करें तो सबसे पहले हम देखें कि फॉर्मिक एसिड इसमें कोई भी प्रतिस्थापी उपस्थित नहीं है। एसिटिक एसिड में जो एक मिथाइल समूह उपस्थित है वो इलेक्ट्रॉन रिलीविंग ग्रुप है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर बढ़ा देगा जिससे इसकी अम्लीयता कम हो जाएगी। दूसरी ओर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बेंजोइक एसिड है इसमें एक बेंजीन रिंग उपस्थित है। तो यहाँ पर तीनों में यदि हम देखें तो सबसे कम अम्लीय होगा एसिटिक एसिड, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीविंग ग्रुप है।
तो सबसे कम अम्लीय यहाँ पर एसिटिक एसिड, यदि इसको हटा दें तो अब हमारे पास बचते हैं फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड। अब इनमें कौन अधिक अम्लीय होगा? तो यहाँ पर हम देखें कि जो फॉर्मिक एसिड है इसमें जो इसका जो कार्बोक्स इसका जो फॉर्मेट आयन बनेगा, यहाँ पर हम देखें इसकी संरचना होगी एच सी डबल बॉन्ड ओ और कार्बन से ही जुड़ा होगा ओ एच। अब यहाँ पर भी देखें तो जो इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं दोनों ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होते रहते हैं और इसकी वजह से ये प्रोटॉन का निष्कासन कर पाता है। दूसरी ओर यदि हम यहाँ पर एक बेंजोइक एसिड की संरचना देखें तो बेंजोइक एसिड में हम देखें बेंजीन रिंग है, साथ ही साथ इससे जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ और कार्बन से जुड़ा हुआ है ओ एच समूह। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जब ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींच लेता है उस समय यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जोड़े दो तरफ से आ सकते हैं, एक तो है बेंजीन रिंग से और दूसरा है जो दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन है जिस पर लोन पेयर उपस्थित है। तो यहाँ पर हम देखें कि ऑक्सीजन के कंपेयर में जो बेंजीन रिंग है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्लस आर इफेक्ट दर्शाती है और यहाँ पर यह इलेक्ट्रॉन जोड़े कार्बन की तरफ दे देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ओ एच समूह का ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन जोड़े का उपयोग नहीं हो पाता और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी ही रहती है और इसकी वजह से यह प्रोटॉन का निष्कासन उतनी आसानी से नहीं कर पाता जितनी आसानी से फॉर्मिक एसिड कर पाता है। इस यही वजह है कि जो बेंजोइक एसिड होते हैं वह फॉर्मिक एसिड की तुलना में कम अम्लीय होते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि फेनिल समूह की उपस्थिति कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीयता को कम करती है। इसके अलावा हम देखें कि जो एलाइल समूह होते हैं, एलिल समूह में भी बिल्कुल यही स्थिति दिखाई देती है और एलिल समूह की उपस्थिति की वजह से भी यहाँ पर जो अम्ल है उसकी अम्लीयता में कमी आती है। इसी तरह की स्थिति हमें वाइनिल समूह की उपस्थिति में भी देखने को मिलती है। यदि हम यहाँ पर लें कि वाइनिल समूह जैसे कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसके बाद जो कार्बन होगा उनके बीच द्विबंध होंगे, यानी कि यह इस संरचना हम देख सकते हैं सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। तो इस प्रकार की यहाँ पर भी हम वही संरचना देखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो वाइनिल कार्बन होता है वो उसमें क्योंकि द्विबंध से जुड़ा हुआ है और इसलिए ये इसमें sp2 संकृत अवस्था में होता है और हम जानते हैं कि जो sp2 संकृत कार्बन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और इसी तरह से जब यहाँ पर जो ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा हुआ जो ऑक्सीजन है जब पाई इलेक्ट्रॉन जोड़ों को अपनी तरफ खींच लेता है तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन जोड़ों की सप्लाई ऑक्सीजन से ना होकर ये द्विबंध से हो पाती है और इसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बना रहता है जिसकी वजह से प्रोटॉन का निष्कासन आसान नहीं हो पाता। यही वजह है कि यदि कार्बोक्सिलिक अम्लों में फेनिल समूह या फिर वाइनिल समूह उपस्थित हों तो ये अम्ल की अम्लता में कमी करते हैं। तो इन आधार पर हम भिन्न भिन्न प्रकार के अम्लों की अम्लता की तुलना कर सकते हैं। अब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की उन अभिक्रियाओं को जानेंगे जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है और इन अभिक्रियाओं में सबसे पहले अभिक्रिया है एनहाइड्राइड का निर्माण। एनहाइड्राइड का निर्माण करने के लिए हमें कार्बोक्सिलिक अम्लों के दो यूनिट की आवश्यकता होती है और जब इन दो यूनिट में से हम यहाँ पर किसी जल के एक अणु का निष्कासन करते हैं तो हमें एनहाइड्राइड प्राप्त होते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर जल का निष्कासन करके एनहाइड्राइड प्राप्त करना है, इसलिए हम यहाँ पर किसी निर्जली कारक का उपयोग करते हैं और निर्जली कारक के रूप में हम यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड या फिर यहाँ पर P2O5 का उपयोग कर सकते हैं।
तो इस तरह से जब हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्लों के दो यूनिट को लेकर जब इनको सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों कार्बोक्सिलिक अम्लों में से एक तरफ से OH और एक से एक हाइड्रोजन, ये समूह जल के रूप में बाहर निष्कासित हो जाता है तथा जो बची हुई यूनिट होती है वो ऑक्सीजन के द्वारा आपस में जुड़ जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि ऑक्सीजन के दोनों ओर दो समान संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं। और इस तरह से जब हम यहाँ पर यदि हम एथेनोइक एसिड के दो यूनिट लेते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए यहाँ पर दो एथॉक्सी समूह हमें दिखाई देंगे। अब यहाँ पर हम देखें कि जिनका नामकरण किया जाता है, तो नामकरण करने के लिए हम जो भी या जिस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल से इनका विरचन हुआ है उनका नाम लिखने के बाद अंत में ओइक एनहाइड्राइड सफिक्स के रूप में लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने एथेनोइक एसिड लिया है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों तरफ जो समूह है वो समान है और इसीलिए ऑक्सीजन के एक तरफ जितने कार्बन उपस्थित हैं उन कार्बनों की संख्या के आधार पर हम हाइड्रोकार्बन का नाम पता कर लेंगे और इसके बाद हम उसके आगे जोड़ देंगे ओइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से दो एथेनोइक अम्लों के द्वारा हम जब एनहाइड्राइड का निर्माण करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के दो यूनिट में के बीच में से जल के एक अणु को निष्कासित करके एनहाइड्राइड का निर्माण कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरी अभिक्रिया है यहाँ पर हम ले रहे हैं, यह है एस्टरीकरण। एस्टरीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है क्योंकि इसके फलस्वरूप हमें प्राप्त होते हैं एस्टर जो कि काफ़ी औद्योगिक महत्व के होते हैं। एस्टरीकरण की क्रिया आपने पहले भी पढ़ चुकी है। यह हम जानते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया किसी अल्कोहल के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर भी हम देखें कि दोनों के बीच से जल का एक अणु निष्कासित हो जाता है, यानी कि यहाँ पर भी निर्जलीकरण की क्रिया ही होती है और जिसके फलस्वरूप हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि यदि हमने यहाँ पर लिया है एथेनोइक एसिड और दूसरा जो अल्कोहल है वो हमने लिया है यहाँ पर मेथेनॉल, तो जब हम इनकी क्रिया आपस में कराएंगे यानी कि इनके जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड या P2O5 की प्रेजेंस में जब हम इन्हें गर्म करेंगे तो इनके बीच में से जल का एक अणु निष्कासित हो जाएगा और हमें प्राप्त होगा यहाँ पर CH3COOCH3, यानी कि यहाँ पर हमें एस्टर प्राप्त हो जाएंगे। और चूंकि यहाँ पर एस्टर प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पर हम देखें ऑक्सीजन के एक तरफ यहाँ पर CH3 सी डबल बॉन्ड ओ समूह है जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर CH3 समूह है, तो जो कम कार्बन वाला जो कार्बन श्रृंखला होगी उसे हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखेंगे जबकि अधिक कार्बन वाली जो श्रृंखला होगी उसे हम मूल हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि एक तरफ एक कार्बन है जो मिथाइल समूह है वह प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाएगा जबकि दूसरी ओर यहाँ पर दो कार्बन है और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के बाद अंत में यहाँ पर OH सफिक्स या अनुलग्न के रूप में जोड़ा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमें एस्टर प्राप्त हो रहा है उसका नाम होगा मेथाइल एथेनोएट। तो इस तरह से हम एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक अल्कोहल की सहायता से एस्टर प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि वास्तव में एस्टरीकरण की क्रिया किस प्रकार से होती है, यानी कि इसकी क्रियाविधि क्या है जिससे ये अभिक्रिया हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो एस्टरीकरण की अभिक्रिया में हम देखें कि सबसे पहले हमने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, हम उदाहरण लेते हैं मेथेनोइक एसिड का ही जिसका सूत्र है CH3C OOH। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ एक तरफ ऑक्सीजन है द्विबंध से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन भी है जो कि आगे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन चूंकि अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, साथ ही साथ जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे जब हम चूंकि अम्ल की उपस्थिति में क्रिया हो रही है और अम्ल का काम होता है प्रोटॉन देना, तो यहाँ पर अम्ल से जो प्रोटॉन प्राप्त होगा जिस पर कि पॉजिटिव चार्ज है, वह यहाँ पर ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है उससे जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। और इस तरह से साथ ही साथ यहाँ पर अब हम देखें कि जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और इसके लिए इसकी मदद के लिए अब हमारा जो अल्कोहल हमने लिया है यानी कि मेथेनॉल, ये यहाँ पर इसकी सहायता करेगा। और हम जानते हैं कि जो मेथेनॉल है, मेथेनॉल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर होते हैं और ये अपने लोन पेयर कार्बन को देकर उसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन को लोन पेयर देगा, कार्बन पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, साथ ही साथ हम देखें जो कार्बन है उससे अब दो दो हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं और ये स्थिति बिल्कुल भी स्थायी नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर तुरंत ही जल के अणु का निष्कासन आवश्यक हो जाता है। अब इस स्थिति में चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है और इसलिए यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जोड़े को अपनी तरफ खींचेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में निष्कासित करेगा। जैसे ही ये प्रोटॉन बाहर निकलता है, ये कहीं बाहर दूर नहीं जाने वाला है, ये बाजू में जो OH समूह आपको दिखाई दे रहा है और उस पर ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को लेकर यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और चूंकि ऑक्सीजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, साथ ही साथ इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अब ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जोड़े को बड़ी आसानी से लेगा और जल के रूप में यहाँ से निष्कासित हो जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो कार्बन है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी मदद करेगा ऊपर उपस्थित ये जो ऑक्सीजन OH समूह दिख रहा है, इसमें ऑक्सीजन है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा और इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन के बीच द्विबंध का निर्माण हो जाएगा। इस तरह से ये जो संरचना हमें प्राप्त हो रही है, जो कि एस्टर की तरह तो दिख रही है लेकिन यहाँ पर एक अतिरिक्त प्रोटॉन अभी मौजूद है और इसीलिए इस संरचना को हम कहते हैं प्रोटोनेटेड एस्टर, प्रोटोनेट एस्टर। और यहाँ पर इसका पुनः आगे डी प्रोटोनेशन होगा, यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलेगा और हमें प्राप्त हो जाएगा हमारा जो उत्पाद है वह एस्टर। तो इस तरह से हमें मेथाइल एथेनोएट एस्टर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो यह है एस्टर के निर्माण की क्रियाविधि।